कोरोना काल में अधिकतर व्यापार ठप्प है। ज्वेलरी मार्केट के हाल तो बहुत ही बुरे हैं। बीते 3 महीनों से यह बाजार भी बंद था। 1 जून से दुकानें खुली, लेकिन बाजार से ग्राहक नदारद। ऊपर से भारतीय मानक ब्यूरो के फरमान ने ज्वेलर्स की मुश्किलें बढ़ा दी है, जिसमें यह कहा गया है कि अगले साल 15 जनवरी 2021 से देश में बिना हॉलमार्क वाली गोल्ड ज्वेलरी नहीं बिकेगी। देखते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। जवाहरात और आभूषणों के बाजार पर कोरोना कहर बनकर टूटा है। पिछले 2.5 महीने बाजार बंद थे, अब 1 जून को बाजार खुले, लेकिन ग्राहक सहमे हुए हैं। गहनों की खरीद सबसे ज्यादा शादियों के सीजन में होती है। 22 मार्च को लॉकडाउन लगने के बाद शादियां बहुत कम हुई हैं। जून में होने वाली शादियां भी लोगों ने टाल दी। अब 30 जून के बाद 4 महीने तक शादियाँ नहीं होंगी, यानी साल का लगभग पूरा कारोबारी सीजन कोरोना की भेंट चढ़ गया। सबसे बड़ी बात क्या है कि जो मार्केट अभी एकदम खत्म हुआ 3 महीने से, और आने वाले 3-4 महीने तक बाजार अभी उठने की उम्मीद नहीं है। हमारे छोटे छोटे व्यापारी दुकानदार ऐसे हैं जिनके पास में 22/20 का माल काफी अच्छा स्टॉक में रखा हुआ है। वो माल उनका धीरे धीरे बिक रहा था, वो 22/22 में काम भी चालू कर चुका था, लेकिन वो पुराने माल को डेड नहीं कर सकते हैं, उनमें से माल बिकता है। अब व्यापार में उसको माल बेचने में समय लगेगा, तो हम भी ये चाहते हैं 22/22 होल मार्किंग लागू हो, कंपलसरी हो, जिससे व्यापार में सुधार हो। तो इसलिए हमने सरकार से ये कहा है कि आप इसके लिए कुछ समय बढ़ा दीजिए, जिससे वो छोटे छोटे दुकानदारों को माल का नुकसान नहीं हो, अपना माल बेच सके, क्योंकि उस टाइप के ग्राहक भी सस्ता माल लेने के लिए आते हैं। ज्वेलर्स के लिए दूसरी मुसीबत भारतीय मानक ब्यूरो का आदेश है। इसमें कहा गया कि 15 जनवरी 2021 से देश में बिना हॉलमार्क की ज्वेलरी बेचने पर पाबंदी होगी। अभी BIS की ओर से केवल 14, 18 और 22 कैरेट के सोने के गहनों पर ही हॉलमार्क लागू है। समस्या इसमें ये है कि प्रदेश के 25,000 ज्वेलर्स के पास 20 कैरेट सोने के गहनों का लगभग 500 करोड़ रुपए का स्टॉक है। इसे 15 जनवरी 2021 तक बेचना था, लेकिन इस साल का सीजन तो कोरोना का शिकार हो गया। अब जयपुर सराफा ट्रेडर्स कमेटी ने इस पर 1 साल की रियायत और मांगी है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, हॉलमार्क की जो बात है, भारत सरकार ने जनवरी 2020 में एक गाइडलाइन जारी करी थी कि 2021 के जनवरी के बाद में, तारीख मेरे ख्याल से 15 है उसकी, 15 जनवरी 2021 के बाद में जो सरकार ने हॉलमार्क के मानक निर्धारित किए हैं उनके अलावा किसी प्रकार की सोने की ज्वेलरी विक्रय नहीं की जा सकेगी। उसमें कई व्यापारी हमारे देश में और भारत में, मैं और राजस्थान के हमारे जो ग्रामीण परिक्षेत्र हैं उनमें आज भी व्यापारियों के पास में बहुत सी वो ज्वेलरी रखी हुई है कि जो 22 कैरेट की नहीं है, संभवतः 20 कैरेट की है। कोरोना से प्रभावित सभी उद्योग और व्यापार सेक्टर्स में सरकार राहत पैकेज दे रही है। ऐसे में उम्मीद की जा सकती है कि BIS भी 20 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी बेचने के लिए ज्वेलर्स को अवसर उपलब्ध कराएगा। इसके लिए एक बेहतर रास्ता ये भी है कि 20 कैरेट सोने से बनी ज्वेलरी को भी हॉलमार्क के दायरे में लाया जाए, जो कि सबके लिए फायदेमंद होगा। कैमरामैन विजय मिश्रा के साथ A1 TV के लिए BK शर्मा की रिपोर्ट।